हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है नेटवर्किंग से रिलेटेड टॉपिक पे बात करेंगे कि हमने अगर बहुत सारी कंप्यूटर डिवाइस को ऐड कर दिया, यानी डिजिटल कंप्यूटर डिवाइस को ऐड कर दिया, कोई भी डिजिटल डिवाइस को ऐड कर दिया है अगर आपस में, और नेटवर्क हमको इस्टेब्लिश करना है, तो हम लोग जो है नेटवर्क बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर लोकली नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसी नेटवर्क डिवाइस का, हार्डवेयर डिवाइस का यूज करना पड़ता है जो कि हमारे लोकली कनेक्ट कर सके हमारी डिजिटल डिवाइसेस को, और हमारी डिवाइसेस क्या कर सके कि नेटवर्किंग के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन हो सके, है ना। तो आपस में हम लोग कम्युनिकेशन बनाने के लिए या डेटा ट्रांसफर करने के लिए, या फिर अगर हम डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, चाहे वो फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर वीडियो ऑडियो फाइल को ट्रांसफर करना चाहते हैं एक डिजिटल डिवाइस से दूसरी डिजिटल डिवाइस पर, तो सेंडर के द्वारा जो रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि नेटवर्क इस्टेब्लिश होना चाहिए दो डिवाइस के बीच, या फिर दो इससे अधिक डिवाइस में काम कर रहे हैं, या फिर लोकली हम कनेक्ट करके काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें जो है एक नेटवर्किंग को एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि हमारी जो डिवाइस कनेक्ट हो रही है तो वो कैसे कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी डिवाइसेस काम करती है, लेकिन हम लोग हब के बारे में बात करना चाहते हैं। हम जिस डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, जिस नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, उससे हमारा जो मतलब है वो है हब, ठीक है। ये एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोकली सिस्टम को कनेक्ट करके नेटवर्किंग बना सकते हैं, है ना। और ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है कि लोकली हम कनेक्ट करके एक ब्रॉड कम्युनिकेशन बना सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमें, मान लीजिए कि अपने लोकली डिवाइस को लोकली कनेक्ट करना है, और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारी डिवाइसेस हैं हमारे पास, डिजिटल डिवाइसेस हैं, और उसमें डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो हम हब के द्वारा जितनी डिवाइसेस को चाहें उतनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हब होता है वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जिसके द्वारा हम जो है आपस में डिवाइस को कनेक्ट करके जो है उसमें पोर्ट बने होते हैं हब में, और उस पोर्ट के जरिए हम जितनी चाहें उतनी डिवाइस को, डिजिटल डिवाइस को कनेक्ट करके और डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, नेटवर्किंग में एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा ट्रांसफर हो सकता है आसानी से। और यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग जो है हब जब कनेक्ट कर लेते हैं डिवाइस, यानी कि हब के माध्यम से कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं, तो हब क्या होता है, एक सर्वर का काम करता है। और हब जो सर्वर का काम करता है, यानी जितनी भी डिवाइसेस हम उससे कनेक्ट करते हैं, वो क्या हो जाता है, वो सारी डिवाइसेस एज अ समझ लीजिए आपकी क्लाइंट के तरीके से काम करती हैं। और क्लाइंट क्या होता है, यानी जो भी रिक्वायरमेंट भेजता है, यानी आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हब का एक स्वामित्व तो होता है, हब एक सर्वर का काम करता है। वो क्या करता है कि सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करके एक नोड का एक सिस्टम का जो मैसेज है वो दूसरे सिस्टम तक पहुंचाता है। यानी सिस्टम आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सिस्टम अगर चाहे कि आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सारी डिवाइसेस हब के थ्रू कनेक्ट होती हैं, और हब नेटवर्किंग सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, हब स्वामित्व का काम करता है। यानी यहाँ पे एक होस्ट होता है हब, अगर कोई भी डिवाइसेस आपस में चाहे कि कम्युनिकेशन बना सके तो यहाँ पे ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है, बिकॉज हब के जरिए सारी डिवाइसेस कनेक्ट है। और ये क्या करते हैं, स्टार टोपोलॉजी बनाते हैं हम लोग फ्रेंड्स। डायग्राम के जरिए अगर समझते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाता है कि हब क्या होता है और उसका डायग्राम क्या होता है, कैसे उससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। हम लोग इसके जरिए कुछ आसानी से ज्यादा क्लियर कर पाएंगे अगर हम जो है डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको डायग्राम बना के बता देते हैं कि हब क्या होता है और कैसे इसमें डिवाइसेस कनेक्ट होती है। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम जो है इसी का डायग्राम बना दे रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि डिवाइसेस में कैसे, यानी इस हार्डवेयर डिवाइसेस में बहुत सारे पोर्ट बने होते हैं और इस पोर्ट में क्या होता है कि हम जितनी चाहे उतनी नेटवर्किंग इस्टैब्लिश कर सकते हैं। लाइक दैट यहाँ पे ये देखिए, ये एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, इसका नाम है हब। ठीक, इसका नाम है हब। चलिए हम इसका नाम दे दे रहे हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इसी पोर्ट से डिवाइसेस कनेक्ट होती है। लाइक दैट हमने एक डिवाइस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, दूसरी डिवाइस इस पोर्ट से कनेक्ट हो रही है और वो ये वाली है, और तीसरी डिवाइस हमारी जो कनेक्ट हो रही है वो ये है। ठीक है, ये तो ये सारी डिजिटल डिवाइस क्या हो रही है कि पोर्ट के माध्यम से आपस में हब से क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है। ये देखिए, ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, और इसका नाम सी दिया, और इसका नाम हमने डी दे दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, ये चारों नोड को हब के द्वारा कनेक्ट कर दिया। और अब क्या होगा कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, एक डिवाइस का दूसरी डिवाइस से आपस में कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं बन पाएगा। यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, हब के द्वारा। यानी अगर ए डिवाइस कोई भी मैसेज जो है सेंड करना चाहती है सी को, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी ए के द्वारा मैसेज अराइव किया गया है, जो भी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाहता है सी से, तो क्या होता है कि ये क्या करेगा, यानी डिवाइस ए क्या करेगा, जो भी मैसेज अराइव करेगा वो मैसेज हब के पास जाएगा, और हब क्या करेगा कि ये ब्रॉड कर देता है, यानी कि जो भी मैसेज एक डिवाइस के द्वारा पास किया जाता है तो हब तक जाता है, और हब के द्वारा मैसेज क्या हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। ब्रॉड मतलब कि हर एक डिवाइस के पास पहुंच जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे अगर कोई भी मैसेज सिक्योर रखना चाहे तो अपने मैसेज को सिक्योर नहीं रख सकता है, तो यहाँ सारी डिवाइसेस को क्या होगा, मैसेज ब्रॉड हो जाएगा, यानी जिसको जरूरत नहीं है उसको भी ये मैसेज क्या होता है, पास हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये डिवाइस नहीं चाहता है कि बी को मैसेज हमारा पास हो, तो क्या होता है, तो भी हब के द्वारा यही ब्रॉडनेस जो होती है, यानी सबसे ज्यादा इसका यही फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इसका ये है कि जो भी डिवाइसेस कनेक्ट है इसके द्वारा वो सारे मैसेज क्या होते हैं, सबको पहुंच जाते हैं, ना चाहते हुए भी इसको जो है इसके सारे जो मैसेज है वो सारी डिवाइसेस को पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिक्योरिटी कम होती है, इंटेलिजेंस कम होता है, लेस इंटेलिजेंस पर ये काम करता है। यहाँ पे किसी के मैसेज को सिक्योर नहीं रखा जा सकता है। और अगर हम देखें तो ये हाफ ड्यूप्लेक्स के सिस्टम पे काम करता है। कैसे हाफ ड्यूप्लेक्स के सिस्टम पे काम करता है, यानी हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है कि मैसेज एक तरफ से जाएगा, यानी सेंडर के द्वारा जो मैसेज भेजा गया है वो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तभी रिसीवर क्या करेगा, मैसेज ट्रांसफर अपना कर सकता है दूसरे के पास। तो क्या होता है कि यहाँ जो है कुछ हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम पे काम होता है, इसीलिए यहाँ पे डेटा का फ्लो कम होता है, यानी स्लो होता है। और ये जो हब होता है ये लैन के लिए यूज किया जाता है, और लैन नेटवर्किंग में क्या होता है कि जो मैसेज की स्पीड जो है वो यहाँ जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है स्लो स्पीड में होता है। और सबसे ज्यादा इसमें डिसएडवांटेज इसका यही माना जाएगा कि ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है, यानी कि ना चाहते हुए भी एक मैसेज को सारी डिवाइसेस के पास पहुंच जाता है। यानी हब का यहाँ पे ये क्या होता है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, कॉस्ट बहुत कम होती है, और इसको इंस्टॉल करना जो है यहाँ पे किसी भी डिवाइसेस को अगर हम चाहें तो इसके साथ ऐड कर सकते हैं, यानी कि किसी भी डिवाइसेस को इंस्टॉल करना आसान होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इसमें जो है अगर हम देखें
ये जो है इसकी कॉस्ट जो है कॉस्ट लेस कॉस्ट होती है, यानी कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कि बहुत कम कॉस्ट होती है, यानी लेस कॉस्ट पर ये इसको हम नेटवर्किंग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेस कॉस्ट, कॉस्ट बहुत कम होती है, और दूसरा ये होता है कि ये लैन के लिए काम करता है, ठीक है, और तीसरा ये है कि ये हाफ ड्यूप्लेक्स पर काम करता है, यानी हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम पर ये काम करता है, और चौथा ये होता है इसमें कि जो भी मैसेज सेंड किया जा रहा है वो क्या होता है कि ब्रॉड हो जाता है, यानी ब्रॉड ब्रॉडकास्टिंग पर ये काम करता है। तो मैसेज का ब्रॉड होना, और इसके अलावा अगर हम देखा जाए देखें तो ये क्या होता है कि इसमें जो है जो भी मैसेज एक एक डिवाइस के द्वारा दूसरी डिवाइस पर अगर चाहे तो भेजा जाए तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो पाता है, यहाँ पे सारी डिवाइस को क्या होता है कि मैसेज पहुंच जाता है, या फिर फाइल अगर हम चाहें कोई इंपॉर्टेंट फाइल है हम चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस को पहुंच सके तो ऐसा भी नहीं हो पाता है। जबकि स्विचिंग में या राउटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप चाहे कि कोई भी मैसेज सिक्योर रखना चाहे तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो है ये किस बेसिस पे काम करता है वो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज बताया है। तो ये क्या करता है कि काम तो करता है, लेकिन इसमें जो है कुछ और भी ऐसे डिसएडवांटेज है जिसके बेसिस पे इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, और ट्विस्टेड पेयर को यूज करते हुए हम लोग ट्विस्टेड पेयर को सिस्टम जब कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमको ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल को यूज करते हुए हम जो है सिस्टम को हब से कनेक्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि RJ45 का कनेक्टर यूज किया जाता है, यानी यहाँ पे हब से जितनी भी डिवाइस कनेक्ट होती हैं उसके लिए हमें ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल केबल को यूज करते हुए RJ45 का कनेक्टर यूज करके हम क्या करते हैं डिवाइस को हब से कनेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद सारी डिवाइसेस हमारी क्या होती हैं स्टार टोपोलॉजी के मोड में काम करती हैं। यहाँ पे ये जो क्या करता है स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करता है, यानी स्टार टोपोलॉजी सिस्टम को ये फॉलो करते हुए ये क्या करता है कि मैसेज को ब्रॉड करता है, या फिर कोई भी कम्युनिकेशन डेटा का ट्रांसफर जो होता है वो स्टार टोपोलॉजी के बेसिस पर होता है। कोई भी सिस्टम आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, या आपस में डेटा का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, या फिर आपस में कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे नहीं होती है। तो इसका एक ये भी है कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है, किसी टाइप की कोई सिक्योरिटी ये सिस्टम को प्रोवाइड नहीं करता है, तो नो एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, नो एनी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी सिक्योरिटी फॉर ट्रांसमिशन डेटा फॉर ट्रांसमिट डेटा, यानी अगर डेटा को ट्रांसमिट किया गया है तो डेटा के ट्रांसमिशन पर किसी भी टाइप्स की कोई सिक्योरिटी नहीं होती कि पर्टिकुलर उसी डिवाइस को क्या किया जाए डेटा सेंड किया जाए, जिस डिवाइस को हम चाहते हैं उसी डिवाइस में डेटा सेंड किया जाए। तो ये भी एक क्या होती है इसके डिसएडवांटेज होती है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर हम नेटवर्किंग हब के द्वारा इस टाइप, वैसे तो अब हब का यूज बहुत ही कम होता है, पहले क्या होता है कि अब इतनी ज्यादा नेटवर्किंग डिवाइसेस आ गई है जिसमें हमें क्या होता है कि हम आराम से जो है अपने डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने डेटा को प्राइवेसी रख सकते हैं, लेकिन इसमें हब के द्वारा हम कोई प्राइवेसी नहीं रख सकते, कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी एक सिस्टम के डेटा को दूसरे सिस्टम तक पहुंचाने में हब क्या करता है कि पूरे डेटा को क्या करता है कि ब्रॉड कर देता है, इसीलिए अब इसका यूज बहुत ही कम हो गया है, ठीक है।
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें यही होती है कि सिक्योरिटी नहीं मिलती है। और वैसे तो अब यहाँ पे देखिए, फिर हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं कि हब एक ऐसी नेटवर्किंग डिवाइस है जिसको हम लोकली कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है और लोकल एरिया नेटवर्किंग के लिए ये बेस्ट होता है। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड पर ये काम करता है, यानी जो भी डेटा ट्रांसमिट होगा वो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में काम होगा, और यानी यहाँ पे हम बाय डायरेक्शनल मोड में ना काम करके जो डेटा का ट्रांसफर करते हैं वो वन वे एट अ टाइम होता है। चलिए, सॉरी थोड़ा गले में खराश होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या है फ्रेंड्स कि हब, तो मैंने आपको डायग्राम के द्वारा समझा दिया है कि कैसे इसमें काम होता है। पोर्ट बने होते हैं, इसी पोर्ट से हम सारी डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, और अगर हमको एक से ज्यादा और डिवाइस अटैच करनी है तो हम इसी पोर्ट के द्वारा सिस्टम को ऐड कर लेते हैं। और एक बिल्डिंग है या एक स्कूल है तो हम थोड़ी दूर के लिए, यानी स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जो है अगर हम स्मॉल डिस्टेंस के लिए इसको यूज करते हैं तो क्या होता है कि उसके बाहर अगर हम एक रेंज से बाहर जाते हैं तो उसमें ये काम नहीं करेगा। यानी लैन में भी एक डिस्टेंस होता है जितना, सिर्फ 50 मीटर तक की दूरी में हम सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम इसमें जो है बहुत कुछ डिसएडवांटेज भी है जिसके बेसिस पे हम अब इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज जो है इसमें सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि डेटा ब्रॉड हो जाता है। वैसे ही इसमें हम लोग इसके टाइप्स भी समझ लेते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं ये। टाइप्स ऑफ हब, यानी कितने टाइप्स होते हैं। तो एक्टिव पहला होता है, एक्टिव हब। दूसरा होता है पैसिव हब, ठीक है। दूसरा होता है पैसिव हब, है ना।
एक्टिव हब एंड पैसिव हब, ये दो टाइप के हब होते हैं। तो एक्टिव हब और पैसिव हब, इन दोनों डिवाइस में, एक्टिव हब और पैसिव हब दोनों डिवाइस को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हब के दो टाइप्स बताए गए हैं। ये दोनों क्या करते हैं कि नेटवर्किंग के यानी फिजिकल लेयर पे ये हब काम करता है, और नेटवर्किंग के फिजिकल लेयर को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि एक्टिव हब और पैसिव हब को यूज करते हैं। तो दोनों का वही काम होता है कि जो भी डेटा, मतलब कि जो भी हम कनेक्ट करते हैं सिस्टम को, उसके द्वारा यानी नेटवर्किंग के जिस लेयर को यूज करता है, ये फिजिकल लेयर को यूज करते हुए यहाँ पे काम होता है डेटा की ट्रांसफरिंग का। फिजिकल लेयर को यूज करते हुए डेटा की ट्रांसफरिंग का काम होता है। और ये जो दो टाइप्स के हब होते हैं, इसमें क्या होता है कि एक्टिव हब का काम जो है वो पैसिव हब से थोड़ा सा बेटर माना, एक्टिव हब को पैसिव हब से थोड़ा सा बेटर माना गया है। और दोनों के टाइप्स जो है वो अलग अलग होते हैं, यानी दोनों अलग अलग टाइप्स में काम करते हैं। लाइक दैट इसको हम जो है आपको डिस्क्राइब कर देना चाहते हैं कि एक्टिव हब क्या करता है और पैसिव हब क्या करता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए, पैसिव हब कनेक्ट नोड्स इन अ स्टार कॉन्फ़िगरेशन बाय कलेक्टिंग वायरिंग फ्रॉम नोड्स। यानी पैसिव हब क्या करता है, जो नोड्स को कनेक्ट करता है वो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में, स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है, वायर को यूज करते हुए। और जो भी सिग्नल नेटवर्किंग में ट्रांसमिट होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉरी यानी जो भी नेटवर्किंग कनेक्ट होती है यहाँ पे वो लैन के स्टाइल में कनेक्ट होती है। और इसमें क्या होता है, पैसिव हब में जो है जो सिग्नल ब्रॉड होते हैं नेटवर्किंग में, वो कैसे होते हैं कि वायर के माध्यम से, यानी फिजिकल वायर के माध्यम से कनेक्ट हियर एंड देयर ट्रांसमिट होते हैं। अब एक्टिव हब का क्या काम होता है, एक्टिव हब एम्प्लीफाइंग एंड रीजेनरेट द इनकमिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। एक्टिव हब क्या करता है, ये जेनरेट करता है, किसको जेनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जेनरेट करता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ठीक है, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग होने से पहले जो है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, जेनरेट करता है। कौन, एक्टिव हब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो सिग्नल जेनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जेनरेट होते हैं एक्टिव हब में। और क्या होता है, दे हैव देयर ओन पावर सप्लाई एंड सर्व बोथ एज अ रिपीटर एज वेल एज कनेक्टिंग सेंटर। एक्टिव हब में क्या होता है कि ये रिपीटर के तरीके से काम करता है, रिपीटर के तरीके से ये क्या करता है, यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है एक्टिव हब के द्वारा। और पैसिव हब का काम क्या होता है, ये स्टार टोपोलॉजी के स्ट्रक्चर में नेटवर्किंग को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है। और यहाँ पे हम देखें तो इसकी जो है इंटीग्रिटी बहुत ही कम होती है, इंटेलिजेंस देखें तो बहुत ही कम, लेस इंटेलिजेंस है, बिकॉज डेटा की ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है। ठीक है, डेटा सिक्योर नहीं रह पाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है बहुत ही कम डिस्टेंस में क्या होता है, नेटवर्किंग को यूज कर पाते हैं इसमें। ठीक, तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए जो है जितना मैंने बताया है पहले उसको एक बार जो है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि मैंने जितना बताया है
उतना ही इनफ है इसके लिए। सॉरी, इसमें मैंने आपको जो है फीचर्स भी बता दिए, एडवांटेज भी बता दिया एंड डिसएडवांटेज भी इसके बता दिए। इसके अलावा जो है आपको इसके बारे में जितना बताया है सिर्फ इतना ही इनफ है आपके जानने के लिए, और बाकी जो है नेक्स्ट जो है इसमें क्या होता है कि हम लोग एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहे हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि हब जो है एक ऐसी हार्डवेयर टाइप की नेटवर्किंग डिवाइस है जिससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, है ना। और ये फिजिकल लेयर पे ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करती है। ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसके बारे में ओएसआई मॉडल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ओएसआई के फिजिकल लेयर पर काम करती है कौन? हब, ठीक है। और हब में जो है क्या होता है कि हब कनेक्ट फिल्टर डेटा, इट इज अ नॉन इंटेलिजेंट, यानी यहाँ पे इसमें डेटा का फिल्ट्रेशन नहीं होता है, किसी भी पोर्ट का कोई नंबर नहीं होता है, किसी भी सिस्टम का कोई भी मैक एड्रेस इसमें यूज नहीं किया जाता है, आईपी एड्रेस इसमें यूज नहीं किया जाता है। सिर्फ इसका काम क्या है कि एक डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा को ब्रॉडकास्ट कर देना। और ये हाफ ड्यूप्लेक्स पर काम करता है। हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है कि एक साइड से जब मैसेज भेजा गया है तो जब तक वो दूसरे के पास पहुंच नहीं जाएगा तब तक दूसरा अपने मैसेज को सेंड नहीं कर सकता है। तो हाफ ड्यूप्लेक्स सिस्टम पर ये काम करता है। और यहाँ पे जो है कोलाइजनेस में अकर्स ड्यूरिंग सेटअप ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ पे कोलाइजनेस भी क्या होती है, ये डेटा का कोलाइजन्स भी यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एक सिस्टम डेटा भेज रहा है फिर दूसरा सिस्टम डेटा भेज रहा है, किसी को कोई पता नहीं होता है कि किसका डेटा कब अराइव होता है। तो सारे के मैसेज आते कहाँ हैं? हब के पास, ठीक है। तो इसमें कोलाइजन्स बहुत ज्यादा होती है, यानी कि डेटा आपस में एक दूसरे में कोलाइजन्स की वजह से एक हब क्या करेगा, जिस कोई एड्रेस तो होता नहीं किसी सिस्टम का, इसीलिए किसी एक के द्वारा भेजा गया मैसेज या किसी दूसरे के द्वारा भेजा गया मैसेज सबके पास ब्रॉडकास्ट हो जाता है, और डेटा एक दूसरे के पास फ्रेम्स के रूप में या पैकेट के रूप में यहाँ से वहां ट्रेवल करता है। यानी जो भी मैसेज भेजा गया है वो डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास एक फ्रेम के रूप में या पैकेट के रूप में हियर एंड देयर नेविगेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है इंटेलिजेंट, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है कि चूंकि सारे सिस्टम जो है आपस में एक दूसरे का मैसेज देख लेते हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग है, ठीक है, इसीलिए लेस इंटेलिजेंट कहा गया है। फिर इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा इजी होता है, कोई भी डिवाइस आप पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि ये फिजिकल लेयर यानी ओएसआई के फिजिकल लेयर पर काम करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा इजी पड़ता है, ये भी इसका जो है एक एडवांटेज कह सकते हैं। कोई भी चाहे लैन नेटवर्किंग को एस्टैब्लिश करने के लिए हब का यूज कर सकता है और स्टार टोपोलॉजी के बेस पर ये काम करता है। फिर ये दो टाइप्स के होते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया भी कि पैसिव हब क्या करता है, स्टार टोपोलॉजी को एस्टैब्लिश करते हुए डेटा को यहाँ पे सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर लेता है और कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है, लैन नेटवर्किंग के उसमें ट्रांसफर करता है। इसमें क्या होता है कि साइज लिमिट कम होती है, यानी नोड के बीच का डिस्टेंस कम होता है। एक ऑफिस में या एक स्कूल में या फिर एक आप कह सकते हैं कि छोटे से एरिया में आप इसको कनेक्ट करके नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश कर सकते हैं,
ना। और एक्टिव हब में क्या होता है कि जो डेटा, यानी जो ब्रॉडकास्टिंग होने से पहले जो डेटा होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करते हुए यहाँ पे डेटा की कमिंग होती है या आउटगोइंग होती है। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में काम करते हैं, एक्टिव हब एंड पैसिव हब, और इसके द्वारा नेटवर्किंग को एस्टैब्लिश करके हम लोग लैन में वर्क करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना इनफ है। हब में जो भी चीज थी वो मैंने आपको बताई। अब आप जो है इसको एक बार रीड करेंगे, क्योंकि क्योंकि क्या है कि हब नेटवर्किंग को कनेक्ट करने की एक सबसे ज्यादा इजी डिवाइस है। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि राउटर का यूज कैसे होता है, स्विच का यूज कैसे होता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक नेटवर्किंग को कनेक्ट करती है, एक से ज्यादा नेटवर्किंग में आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही जो है आपके लिए इनफ है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जो है बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी डिवाइसेस यूज की जाती है, लाइक दैट ब्रिज यूज किया जाता है। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इस कंपैरिजन करके कि कौन सा ज्यादा बेस्ट पड़ेगा, कि अगर आपको स्मॉल डिस्टेंस के लिए कौन सी डिवाइस यूज करनी है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सी डिवाइस यूज करनी है। फिलहाल लैन को हम लोग ट्विस्टेड पेयर से कनेक्ट करते हुए RJ45 का कनेक्टर यूज करते हुए सारी डिवाइस में नेटवर्किंग को इस्टेब्लिश करते हैं। तो हब के लिए इतना ही, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे।